गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स करते हैं। कल हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले स्टेट देखें, मींस ये सॉलिड के अंदर है या लिक्विड के अंदर है या फिर गैस स्टेट के अंदर है। ठीक है, जो हमने मेटल्स देखे थे वो क्या थे, सॉलिड स्टेट के अंदर थे, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो तीनों स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, सॉलिड के अंदर भी, ठीक है, लिक्विड स्टेट के अंदर भी और गैसीय स्टेट के अंदर भी, तीनों स्टेट के अंदर। जैसे मेटल्स में था सिर्फ एक मेटल ऐसी थी जो लिक्विड स्टेट के अंदर थी, वो कौन सी थी, मरकरी। ऐसे ही एक ऐसी नॉन मेटल भी है जो लिक्विड स्टेट के अंदर है और वो क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, और कोई भी मीन्स नॉन मेटल लिक्विड में नहीं है, सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड में है। गैस के अंदर बहुत सारी हैं, लगभग 11 एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, आर्गन है, नियोन है, ये सारे गैसेस नॉन मेटल्स में आती हैं। और सॉलिड के अंदर जैसे कार्बन है, सल्फर है, ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, सॉलिड के अंदर। तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट के अंदर, सॉलिड के अंदर भी, लिक्विड के अंदर भी और गैस स्टेट के अंदर। तो नॉन मेटल्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद में हमने देखा था कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते, सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट है। जैसे हार्ड होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉफ्ट है तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे, जल्दी से पिघलेंगे, तो इसका मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो दे हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका कम होता है। उसके बाद में जो नॉन मेटल्स थी, आपने देखा था मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, और लॉस करने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और गेन करने की वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसीलिए मीन्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद में हमने मेटल्स देखा था, मेटल्स क्या होते हैं, मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब ये था कि उनकी हम पतली शीट बना सकते हैं, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स वो होंगे, नॉन मैलेबल होंगे, मीन्स इनकी हम पतली शीट नहीं बना सकते, तो दे आर नॉन मैलेबल्स। ठीक है, मेटल्स हमने देखा था डैक्टाइल्स होते हैं, उनके पतले वायर खींच सकते हैं, इनके हम वायर नहीं बना सकते, ये टूट जाएंगे। ब्रिटल का मतलब होता है दे आर ब्रिटल लिख सकते हैं, या फिर दे आर नॉन डैक्टाइल, मीन्स ये डैक्टाइल नहीं होते, इनके हम पतले वायर नहीं बना सकते, और तो अगर हम इनको पतले वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, मेटल्स सोनोर्स मीन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड नहीं क्रिएट करते, तो दे डू नॉट सोनोर्स। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर लस्टर पाई जाती है, चमक पाई जाती है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं उनके अंदर लस्टर नहीं पाई जाती, एक जैसे आयोडीन को छोड़ के। ठीक है, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर पाई जाती है, तो दे हैव डल लस्टर्स, मीन्स इनमें चमक नहीं होती, छोड़ के किसको, आयोडीन को। ठीक है, आगे क्या है, इसके बाद आती है कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे कौन सी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे, फिर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है इनके साथ किस तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सबसे पहले तो मेटल्स जो होते हैं, कुछ मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि उनको अगर हम हवा के अंदर खुला छोड़ देते हैं तो वो रिएक्शन कर जाती हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम में ऐसी है कि अगर ऑक्सीजन के साथ छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना लेती है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, वो भी रिएक्टिव मेटल है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं जिसके कारण से मीन्स वो इजिली से रिएक्शन कर जाती हैं। ऐसे ही मेटल्स जो हैं वो जल्दी से कोल्डेड हो जाते हैं, मीन्स उनको जंग लग जाता है। जैसे लोहा है, कॉपर है, लोहे के जंग लग जाती है, ऐसे ही कॉपर के भी जंग लगती है। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी इजिली कोल्डेड, मीन्स जल्दी से जंग लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम कोर्जन ऑफ आयरन मेटल्स, मीन्स लोहे को जंग लगता है, लोहे को जंग लगता है। सबसे पहले आयरन का सिंबल होता है Fe, ये Fe क्या है, आयरन है, मीन्स लोहा। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में मीन्स हम आयरन को किस कैसे लिखते हैं, Fe, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, जंग लगता है तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए और पानी की, पानी में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है जंग लगता है, तो ये क्या हो गई, अपनी ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन, उसके बाद में ये क्या हो गया, वाटर हो गया। तो
तो जंग लगा हुआ लोहा होता है उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4 या फिर Fe2O3, कौन सा भी बना सकते हैं। अगर Fe3 बनाएंगे तो वो भी सही है, इनटू में XH2O, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने Fe मीन्स चार Fe इसलिए लिए हैं इसको बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 2 आएगा, 2 Fe2O3, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया Fe2O3 और इनटू में H2O, XH2O का मतलब X वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जैसे पहले लोहा था उसके एक ऊपर लोहे की जंग लग जाती है और मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश कलर सा, रेडिश कलर सा आ जाता है। ऐसे ही जो कॉपर होती है कॉपर पे हरे रंग की परत चढ़ जाती है जब जंग लगता है, तो इस तरह से हम मीन्स इसको जंग लग जाती है। दूसरी रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बताया था मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और मेटल्स ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेती हैं, ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से। तो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अब दो होते हैं, एक तो जैसे एसिड होते हैं, ठीक है, एक बेस होते हैं। जो मेटल के जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेस में होंगे, मीन्स उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक होंगे। तो जैसे मैग्नीशियम लिया हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, लेकिन अकेली ऑक्सीजन कभी स्टेबल नहीं होती, इसलिए हम क्या लिखते हैं, O2। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इधर देखो, इधर दो ऑक्सीजन एटम है लेकिन इस साइड तो एक ही है, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही सोडियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जितने भी मीन्स ऑक्साइड बनाएंगे और इनका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। उसके बाद में है रिएक्शन विद वाटर, जो मेटल है वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। कुछ तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं कि पानी के साथ रिएक्शन करने से आग पकड़ जाते हैं। कुछ मेटल इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर उनको हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो आग पकड़ जाती है, ठीक है। तो जैसे सोडियम है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ जाती है, ठीक है। सोडियम है, पोटेशियम है, ये रिएक्शन करती हैं तो पानी के साथ आग पकड़ती हैं। तो अगर ये पानी के साथ जब रिएक्शन मतलब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो ऑक्साइड बना, ठीक है, ऐसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोऑक्साइड। हाइड्रोऑक्साइड मींस OH, जिसके लास्ट में OH होता है ना, वो होता है हाइड्रोऑक्साइड। जिसके लास्ट में OH होता है वो क्या होता है, हाइड्रोऑक्साइड। तो जब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्रोऑक्साइड। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर फॉर्म जनरली मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बना लेते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने सोडियम लिया तो सोडियम प्लस H2O दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, NaOH, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में क्या होना चाहिए, OH, वो क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन गया, NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है।